बेसिक शिक्षा न्यूज के क्रम में आज हम इस वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो वो हम सभी के लिए उपयोगी होगी, इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। सबसे पहली न्यूज यहाँ से है कि निजी स्कूलों की मनमानी इस समय चल रही है। यदि उनसे टीसी मांगने के लिए स्टूडेंट्स गार्जियन जाते हैं तो वो पिछले छः महीने के कहीं कहीं पूरे साल भर की फीस मांग रहे हैं, तब वो जो टीसी है वो देने का काम कर रहे हैं। तो ये अवैध वसूली चल रही है इस समय विद्यालयों में, जो निजी विद्यालय हैं, प्राइवेट विद्यालय। तो यहाँ पर देखें तो निजी स्कूलों की मनमानी पर अंकुश नहीं लग रहा है। कोरोना काल में अधिक शुल्क लेने के आरोप लगते रहे, वहीं अब ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी कि टीसी के लिए भी दौड़ाया जा रहा है। कुछ स्कूलों का कहना है कि पहले नए सत्र के 6 महीने की फीस जमा करनी होगी, उसके बाद में आपको टीसी सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर काफ़ी अभिभावकों ने और गार्जियंस जो हैं बच्चों के, उन्होंने और बच्चों ने विश्वकर्मा, जो आरएन विश्वकर्मा DIO से हैं, उनसे शिकायत भी की है। चलते नेक्स्ट न्यूज देखें, और नेक्स्ट न्यूज में यहाँ पर जो देखेंगे तो पुरानी पेंशन बहाली के लिए मोमबत्ती जलाकर आवाज़ उठाएंगे कर्मचारी। तो ये पुरानी पेंशन का जो मुद्दा है वो कंटिन्यू है, जारी है। शिक्षक हों चाहे वो कर्मचारी हों, पुरानी पेंशन की मांग लगातार कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर अभी तक जू नहीं रेंग रहा है। तो इस संबंध में एक और अभियान चलेगा, 4 से 5 अक्टूबर को कर्मचारी अपने अपने भवन पर मोमबत्ती जलाकर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने के लिए मांग करेंगे। अब इसी क्रम में कोर्ट ने DM को दिए खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश। तो देखते हैं, यहाँ ये प्रयागराज का ही मैटर है, नीलामी निरस्त कर उसी का ठेका मंजूर करने को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। तो यहाँ पर जो कोर्ट ने जिलाधिकारी सहारनपुर को खंड शिक्षा अधिकारी BU विनोद कुमार मेहता के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का आदेश देकर उनसे अनुपालन रिपोर्ट मांगी है। कहा है कि 24 सितम्बर तक यदि कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो कोर्ट में जिलाधिकारी को तलब किया जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज जो है, योगी सरकार का बड़ा तोहफा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बढ़ाया मानदेय, जाने कितना फ़ायदा होगा। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यानी कि मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं और सहायिका हैं, इन तीनों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की गई है। हालांकि इसका जो भी जब तक आदेश नहीं आता है या जब तक मिलना तय ना हो जाए तब तक ये बात नहीं मानी जा सकती, क्योंकि कई एक घोषणाएँ की जा चुकी हैं, लेकिन धरातल पर यदि देखा जाए, पटल पर देखा जाए तो कुछ ही आदेश जारी किए गए हैं जिनका फ़ायदा कर्मचारियों को मिल पाया हो। तो यहाँ पर लगभग 3.73 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और सहायिका हैं, उनको मानदेय बढ़ाया गया है। इसमें इन्होंने कहा है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय के साथ अब बतौर प्रोत्साहन राशि प्रतिमाह 1500 रुपये दिए जाएंगे और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1250 रुपये दिए जाएंगे, वहीं आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 750 रुपये मिलेंगे। इससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जहाँ 7000 रुपये तक मानदेय हो जाएगा, वहीं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 5500 रुपये और आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 4000 रुपये हो जाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने ये साफ किया है, ये घोषणा भी कर दी गई है। वर्तमान मानदेय जो प्रोत्साहन राशि है वो 5500 रुपये, 1500 रुपये प्लस होगा, इस प्रकार 7000 रुपये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए मिलेंगे। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की बात करें तो 4250 रुपये मिलते हैं और 1250 रुपये, 5500 रुपये हो जाएंगे इस प्रकार, और आंगनबाड़ी सहायिका की अगर बात करें तो इनके 4000 रुपये हो जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है, MDM योजना के अंतर्गत परिवर्तन लागत DBT हेतु प्रधानाध्यापक द्वारा दी गई सूची पर बैंकों से धनराशि ट्रांसफ़र कराने की कार्रवाई हेतु DM को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो ये इसका लेटर भी, अथॉरिटी लेटर भी जारी किया गया है 14 सितंबर को मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश की ओर से। वित्तीय वर्ष 20-21 के में छात्रों को उपलब्ध कराई गई परिवर्तन लागत की धनराशि छात्रों और अभिभावकों के खातों में हस्तांतरित किए जाने के संबंध में ये शासनादेश है। हालांकि कई जो विद्यालय हैं जहां पर ऑलरेडी पहले से ही हस्तांतरण का कार्य चल रहा है और वहां पर हस्तांतरित की भी जा चुकी है, लेकिन जहां भी नहीं की गई हो शायद उसी के लिए ये शासनादेश जारी कर दिया गया है। अब हम यदि देखें तो यहाँ पर एक और न्यूज है कि माह सितम्बर में की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के संबंध में आदेश जारी किया गया है। आपको अवगत कराना है कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत संचालित महत्वपूर्ण गतिविधियों और क्रियाकलापों के क्रियान्वयन, बेहतर समन्वय, गैप एनालिसिस और सतत अनुसरण और अकादमिक पहलुओं के संचालन के संबंध में प्रत्येक माह राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जनपदों को प्रेषित किया जाता है। तत्क्रम में माह सितम्बर 2021 में क्रियान्वित किए गए
की परफॉर्मेंस इंडिकेटर प्रेषित किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जिला वाइज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जारी किए गए हैं। यहाँ से आप तो यहाँ पर डाइट प्राचार के यहाँ पर टास्क हैं, टास्क के बाद में यहाँ पर ARP की चयन पूर्ण हुआ है, वहाँ कितने प्रतिशत विद्यालयों में डाइट प्राचार, उसके बाद में बेसिक शिक्षा अधिकारी, तो ये सभी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं वो दिए गए हैं। ये सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी के हैं, एक सप्ताह में कितना काम किया, चार सप्ताह में कितना मिलना है, तो ये सभी दिए गए। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इसे देख सकते हैं, हालांकि हो सकता है कि ये क्लियर ना दिखे क्योंकि यहाँ पर साफ इतना है नहीं। तो ARP हैं, KRP हैं, सभी के लिए है। तो यहाँ पर हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, यहाँ से आप DC ट्रेनिंग, SRG, डाइट मेंटर और उसके बाद में खंड शिक्षा अधिकारी, उनके क्या हैं खंड शिक्षा अधिकारी, तो ये संबंधित हैं। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बीच बीच में, जहाँ से भी आप लेना चाहें या कंप्लीट इसको करना चाहें। चलो यहाँ भी कर देते हैं, सबसे पहले 1 से लेकर 6 तक का आप ले लें, उसके बाद में 7 से लेकर 13 तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद में 13, 14 से लेकर 18 तक का ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हम आपको बता ही चुके हैं 19 से लेकर 24 तक ले सकते हैं, यहाँ पर 25 से लेकर 31, 32, 33 तक यहाँ पर ले सकते हैं और उसके आगे के सभी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी कार्य आप देख सकते हैं, इनके किस प्रकार से इंडिकेटर, किस प्रकार से इनके परफॉर्मेंस को इंडिकेट किया जाता है।